ये विधि जो मैं आपको एक कहानी के थ्रू बताने जा रहा हूँ, ये कई हजार साल पुरानी और बेहद गुप्त है और बड़े बड़े ऋषि, मॉन्क और मुनियों के द्वारा प्रयोग की जाती थी। इस वीडियो का एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है और ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये वही है जो आज तक सबसे छिपाया गया है। इस वीडियो को आप अपने सभी जानने वालों को शेयर करें जिससे आपको भी इस कर्म का श्रेय प्राप्त हो सके। तो आइए मेरे साथ जानते हैं उस विधि को। यह बात तकरीबन शुरुआती 40 के दशक की है। एक मॉन्क जो काफ़ी बुजुर्ग थे, उनका नाम इसरीम था। वह दुनिया के नॉर्थन हिस्से में एक बियाबान जंगल में रहा करते थे। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। उस समय सिर्फ खेती ही एकमात्र भोजन का जरिया था। उसी दौरान वहाँ इतिहास का सबसे खतरनाक सूखा पड़ा और हर तरफ इंसान मर रहे थे, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। तभी मॉन्क के पास एक उनका बचपन का साथी तलाश करता हुआ मॉन्क के पास पहुंचा और उसने मॉन्क को सारी बात बताई और कहने लगा कि ऐसा सूखा आज तक नहीं पड़ा और वहाँ अब कोई नहीं बचेगा, अब तुम ही बचा सकते हो। मुझे पता है तुम ऐसी विधि जानते हो जिससे हम सभी की जान बच सकती है और बारिश हो सकती है। मुझे निराश मत करना, मैं अब यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊँगा, मैं यहीं मर जाऊँगा। मॉन्क सोच में पड़ गए और थोड़ी देर बाद मॉन्क ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मॉन्क उठे और कुछ दूर जाकर खड़े हुए और हाथ जोड़कर कुछ करने लगे। कुछ देर बाद वापस आए और अपने दोस्त से बोले कि जाओ, अब बारिश हो जाएगी। मॉन्क का दोस्त बोला, क्या आपने प्रार्थना की है? मॉन्क बोले, मैंने कोई प्रार्थना नहीं की है। मॉन्क के दोस्त ने कहा, अगर आपने प्रार्थना नहीं की है तो आपने इतनी देर तक क्या किया? मॉन्क ने कहा, अगर मैं बारिश के लिए प्रार्थना करता तो बारिश कभी नहीं होती, क्योंकि जब हम कुछ मांगने या पाने के लिए प्रार्थना करते हैं तब हम ये सिद्ध कर देते हैं कि वो चीज़ वहाँ नहीं है, और ना चाहते हुए भी हम उस स्थिति को मजबूत बना देते हैं जिसे हम बदलना चाहते हैं। मॉन्क बोले, यह एक गुप्त विधि है। मॉन्क का दोस्त बोला, क्या किसी इंसान की जान से ज़्यादा कीमती है ये? मॉन्क बोले, हाँ, ये बहुत कीमती है, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि अगर बारिश होने में कुछ समय लगा तो बहुत से लोग मारे जाएंगे और हो सकता है ये विधि तुम्हें कई बार करनी पड़े। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी उम्र अब ऐसी नहीं है कि मैं इसे बार बार कर सकूँ। मॉन्क बोले, मैं तुम्हें इसे बताता हूँ, लेकिन जिस दिन तुम इसका गलत प्रयोग करोगे उस दिन के बाद ये विधि काम नहीं करेगी। मॉन्क ने कहा, ठीक है, तो ध्यान से सुनो, मैंने कोई प्रार्थना नहीं की बारिश लाने के लिए, मैंने बस उस चीज़ को अपने पास महसूस किया जो मुझे चाहिए था। मॉन्क के दोस्त बोले, मैं समझा नहीं, आप ठीक से बताइए, आपने कैसे किया? मॉन्क बोले, मैं नंगे पैर खड़े होकर, अपने हाथ जोड़कर और आंखें बंद करके मैंने अपने पूर्वजों देवताओं को दिल से पुकारा और कहा कि मुझे आपका साथ चाहिए, और मैंने बंद आंखों से देखा कि मेरे गांव में बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मैं कीचड़ में खड़ा हूँ और खुशबू ले रहा था उस भीनी मिट्टी की जो हमारे गाँव में तेज़ बरसात के साथ होने से हवा में फैली हुई है। गांव के सारे खेत हरे भरे हो चुके हैं, सब लोग झूमकर बारिश में नहा रहे हैं। मैंने पानी की उन बूंदों को अपने ऊपर गिरते हुए महसूस किया, मैं ऊपर से नीचे तक बारिश में भीग चुका हूँ। इसके बाद मैंने अपनी खुशी जाहिर की और धन्यवाद किया उस बारिश के लिए जो हो चुकी थी। अब मॉन्क का दोस्त जैसे ही अपने गाँव पहुँचा, उसने ठीक वैसा ही देखा जैसे मॉन्क ने उसे बताया था। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी, सब कुछ अच्छा हो चुका था और हर तरफ मिट्टी की भीनी खुशबू फैली हुई थी। मॉन्क के दोस्त ने वहीं खड़े होकर अपने पूर्वजों और मॉन्क का धन्यवाद किया और खुशी जाहिर की। अब आप समझ गए होंगे कि जब आप किसी चीज़ को मांगते हैं तो आप ये सिद्ध कर देते हैं कि वो वास्तव में नहीं है, लेकिन जब आप उसे दिल से महसूस करते हैं और उसके लिए आभार प्रकट करते हैं तो वह वस्तु आपके पास वास्तव में होती है, क्योंकि अब ये आपके पास है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। साथ देने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू गाइस।